हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एटीएमयू। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जामिया का एंट्रेंस कब होगा। मैंने एक और वीडियो बनाई थी अभी कल परसों बनाई थी, तो उससे मैं वीडियो में मैंने बताया था कि आपका क्योंकि फॉर्म डेट 20 में लास्ट हो रही थी, तो मैंने बताया था 20 के बाद चांसेस है एडमिट कार्ड आ जाएगा और आपका के एंट्रेंस हो जाएंगे। तो उस वीडियो में मैंने इसलिए बताया था क्योंकि तब तक कोई नोटिस नहीं आया था कि फॉर्म की डेट एक्सटेंड हो सकती है। 3-4 बार ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुकी थी, अब बिल्कुल चांस नहीं थे। और नीट और जेईई के क्योंकि आपका होने वाला है, तो इसलिए चांसेस थे सेप्टेम्बर में करा दे, शायद इसलिए नहीं कराया अभी, इसलिए फॉर्म की डेट एक्सटेंड करा दिया। क्योंकि अभी नीट और जेईई भी होने वाला है, उसके लिए सेंटर्स होंगे, उन्हें फिर सैनिटाइज करेंगे, बहुत चीजें होंगी। क्योंकि इस बार सेंटर्स भी बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि आपके सेंटर ज्यादा किए जाएंगे, दूर के बच्चे आ नहीं पाएंगे, इसलिए सेंटर भी बढ़ा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपना अब कब होगा जामिया का। जो वीडियो में बताया था वो उस नोटिस आने से पहले की वीडियो थी, क्योंकि उसे डिसलाइक कर रहे हैं, बोल कमेंट कर रहे हैं कि अब तो 15 तारीख तक तो आप फॉर्म की डेट ही हो गई, तो अब सेप्टेम्बर के स्टार्टिंग में कैसे होगा। तो ये लेटेस्ट वीडियो अब मैं इसीलिए बना रहा हूं दोबारा से कि आपका 15 सेप्टेम्बर तक तो फॉर्म की डेट ही हो गई है। अब 15 सेप्टेम्बर के बाद आपका क्या अभी, क्योंकि एएमयू का देखे, एएमयू का भी कोई अभी नोटिस नहीं आया, एएमयू ने लेकिन फॉर्म एक्सटेंड नहीं किए, सिर्फ एक हफ्ते के लिए भेजे थे, फॉर्म आए थे लेकिन अब कोई एक्सटेंड नहीं हुए, तो एएमयू का हो सकते हैं अब। क्योंकि जामिया अगर कोई एग्जाम कंडक्ट कराएगी अपने एंट्रेंस, तो उसे वो भी देखना पड़ता है कोई एएमयू से क्लैश ना कर रहा हो, क्योंकि फिर स्टूडेंट्स के क्लैश हो जाते हैं तो छूट जाता है, एक एंट्रेंस नहीं दे पाते, क्योंकि हर जगह के स्टूडेंट भर के रखते हैं, या एएमयू का, बीएचयू, डीयू, जामिया, सबके मतलब भर के रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी को ये भी देखना पड़ता है। अब जामिया ने क्या किया, अपने थोड़ा आगे कर दिए फॉर्म को, तो अब 15 सितंबर तक आपके अगर फॉर्म है, तो उसके बाद आपके 15 सितंबर से कुछ एक हफ्ते के अंदर अंदर ही आपके एडमिट कार्ड के लिए नोटिफिकेशन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो अब आपको क्या करना है, बस अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और सितंबर के एंड के लिए तैयार रहिए। सितंबर के एंड में बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके जामिया के एंट्रेंस हो जाएंगे। तो जामिया के एंट्रेंस आपके सितंबर लास्ट में होने के चांसेस है, क्योंकि मिड तक तो 15 तारीख तक तो आपके फॉर्म है, ठीक है। और अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है या कोई भी अपडेट होती है, मैं आपको बताता रहूंगा टाइम टू टाइम, चैनल पे अपडेट रहिए इसलिए, और सब्सक्राइब करके रखना, तभी आप तक वीडियो पहुंचेगी। जो सब्सक्राइब कर रखे हैं उन तक वीडियो पहुंचती रहती है, हर अपडेट रहते हैं स्टूडेंट्स वही, और जो नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक भी पहुंचती रहे अपडेट। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।